प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो या आपको तारीख मालूम पड़ जाए उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो तो बेलपत्री संभागी बना। संभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का सीधा वाला भाग और इस पत्ती का भी सीधा भाग था, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना माना। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देव अधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो षडाक्षर मंत्र हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो उस मंदिर में जो भी चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा उस चरण के पास अपनी कामना कर रख दीजिए और थोड़ा सा मुंह हरा मुंह थोड़ा सा श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर कोई बेल हो तो उसको वो मुंह खिला दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मुंह हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो सर्विस करना आप उसके लिए चले जाओ उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा, जो व्यापार करने जा रहा है जो नौकरी करने जा रहा है जो सर्विस करने जा रहा है जो अप्लाई करने जा रहा है जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है करना उसको। ओम नमः शिवाय।